अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शुगर रोस्टेड आमंड्स। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। शुगर रोस्टेड आमंड्स बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले बादाम चाहिए। बादाम आप छिलकों समेत ही ले लें, ये तकरीबन 1 कप है। और चीनी जो है मेरे पास यहाँ पर 1/2 कप है। इसके साथ ही मैंने पानी लिया है जो कि 1/4 कप के करीब है। आप अगर ज़्यादा बनाएं तो आप मेजरमेंट इसी हिसाब से तमाम चीज़ों की डबल कर सकते हैं। चलें इसको बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन लिया है और मीडियम टू लो हीट पर मैंने इसे गर्म कर लिया। और इसमें अब मैंने शक्कर जो है वो शामिल कर दी है, साथ ही मैं इसके अंदर पानी और फिर बादाम भी शामिल कर दूँगी। इसके लिए हमें इसे मीडियम से लो हीट की तरफ पकाना है और मुस्तकिल हम इसे हिलाते रहेंगे स्पून की मदद से। अगर नॉन स्टिक पैन लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये बहुत जल्दी इसके ऊपर चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं इस तरह से। अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे। मुझे इसे मीडियम टू लो हीट पर पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इस तरह से गाढ़ा हो गया। अब मैंने इसके अंदर 1 पिंच के करीब नमक शामिल कर दिया। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अब मैं इसे फिर मिक्स कर रही हूँ। इसे हमें कंटिन्यूसली मिक्स करना है। अब मुझे इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और शुगर को हमें कैरामलाइज नहीं होने देना है, वरना ये कैरामल बन जाएगा। तो हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं। थोड़ी देर में ये शुगर जो है ये ड्राई हो जाएगी और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे निकाल कर। देखें ये अब शुगर बिल्कुल ड्राई हो गई है और इसे मैं अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसको इस वक्त मिक्स नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल जो है पैन के साथ लग जाएगी। इसलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसे पैन के साथ लगने मत दें। अब मैंने चूल्हे को भी ऑफ़ कर दिया है और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे और उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बटर पेपर पे निकालने के बाद आप इसे थोड़ी देर ठंडा कर लें और फिर उसके बाद आप किसी एयर टाइट जार में भरकर इसे रख लें तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा, बल्कि इससे ज़्यादा रह सकता है। लेकिन ये चूँकि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं बहुत ही मज़ेदार होने की वजह से, इसलिए आपको इसको इतना ज़्यादा अरसा रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।